पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप कितना भी शुगर कोट कर लो, ये गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग ही होने वाला है, इसमें स्किल का एलिमेंट ज्यादा नहीं है। हेलो दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ सबसे बेकार चीज के बारे में। मान के चलो आपकी 48,000 रुपीस पर मंथ की जॉब है, आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट लिमिट है 8 लाख रुपए, और आपने क्रेडिट लिमिट मैक्स आउट कर दी, अपनी सैलरी को भी पूरी तरह खर्च कर दिया, पर्सनल लोन लिया और 35 लाख रुपए का घाटा किया, पता है क्या करके? ड्रीम 11 जैसे एप्स पे पैसे बेट करके। ये बिल्कुल इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये रवि नाम के एक इंसान ने एक्चुअल में किया था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसके बाद उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। आज बात करेंगे भारत के दूसरे सबसे बड़े कैंसर के बारे में। पहला कैंसर है वो सारे लोग जो मैगी में केचप डालते हैं। अब देखिए, ये सारे जो एप्स है वो इंडिया में लीगल क्यों है, पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर गैम्बलिंग एक स्टेट मैटर है। अगर आपको एक कैसीनो खोलना है और लोगों के जुआ खेलने से पैसे कमाने हैं तो आपको सरकार जेल में डाल देगी इन मोस्ट केसेस। हमारे कंट्री में दमन, सिक्किम और गोवा को छोड़ के बाकी किसी भी जगह पर गैम्बलिंग करना इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं इन सारे ऐप्स की, और उन एडवर्टाइजमेंट्स के एंड में ये भी बोला होता है कि इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और इसकी लत लग सकती है। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इसके बावजूद भी ये लीगल क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप और हम एक गैम्बलिंग बिजनेस खोलते हैं तो सरकार हमको जेल में डाल देगी, लेकिन अगर बहुत सी फंडिंग के साथ एक बड़ी एंटिटी ऐसा करती है तो सरकार सिंपली ये करती है। लेकिन इसके पीछे भी इन कंपनीज के हिसाब से एक लॉजिकल रीजन है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड गेम है। अब आप ही मुझे बताइए कि जो मैं बताने वाला हूँ उसमें स्किल बेस्ड क्या है। आपको 11 प्लेयर्स की एक रैंडम टीम बनानी है, और इन 11 प्लेयर्स के रियल लाइफ परफॉर्मेंस के हिसाब से आप जो पैसे बेट करते हो वो या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। अब हाँ, एक इंसान आर्ग्यू कर सकता है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में स्किल का कोई एलिमेंट आता है, विच इज ट्रू, लेकिन क्रिकेट भी एक बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है। हमारे किंग विराट कोहली को ही देख लीजिए, उन्होंने एक दिन 150 रन मारे और अगले दिन 20 रन बना के आउट हो गए। क्रिकेट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, प्लेयर का फॉर्म, ऑपोजिट टीम का फॉर्म, उस दिन पर स्टेडियम की कंडीशंस, पिच की कंडीशंस, एंड इफ दिस वाजंट इनफ अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ लक। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लेयर अपने लाइफ के सबसे बेस्ट फॉर्म में है, उसने 5 मैच बैक टू बैक सेंचुरी मारी है, लेकिन शायद सिर्फ उस दिन लक की वजह से वो डक पे आउट हो गया। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप कितना भी शुगर कोट कर लो, ये गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग ही होने वाला है, इसमें स्किल का एलिमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स है और यहाँ पे सही से प्रेडिक्ट करना नियर इम्पॉसिबल होता है। मतलब अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि क्रिकेट बैटिंग ये गैम्बलिंग होता है या नहीं, आप हाँ बोलोगे, लेकिन हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे पैसे लगाना गैम्बलिंग है या नहीं, इसमें आप ना क्यों बोल रहे हो? अब देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे कंट्री में स्किल बेस्ड गैम्बलिंग के अंडर जो लॉज आते हैं वो थोड़े अनक्लियर है, इसीलिए जो सारी कंपनीज है इनके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत फंडिंग होती है, इससे ये सबसे टॉप लॉ फर्म्स को हायर करते हैं, और इन लॉ फर्म्स के हेल्प से उन्होंने कोर्ट में जाके साबित कर दिया कि यहाँ पर गैम्बलिंग का कोई एलिमेंट नहीं है, ये सारे स्किल बेस्ड गेम्स है, इसीलिए इंडिया में आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली एग्जाम्पल पर वापस आते हैं रवि के केस में, जिसने इतने सारे पैसों का घाटा कर दिया, इतना सारा लॉस किया और उसके बाद सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अब आपको पता होगा कि IPL में जो एवरेज सैलरी होती है एक प्लेयर की, वो क्लोज टू 43 करोड़ रुपीज होती है। मिंट के हिसाब से IPL पूरी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पेइंग स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है। IPL के जो सारे प्लेयर्स हैं उन्होंने ड्रीम 11 को कभी ना कभी प्रमोट किया है, एंड माइंड यू, ये ड्रीम 11 सिर्फ एक ऐसा ब्रांड है जो इन्होंने एंडोर्स किया है। ये सारे प्लेयर्स अपनी मैच फीस से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से और बाकी ब्रांड से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपको पता है, करेंटली एक चीज है जो प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई, आप इसको आसानी से खरीद सकते हो, पता है क्या? सेलिब्रिटीज। ये कुछ ऐसे नालायक लोग हैं जिनको आप पैसे दे दोगे ना तो ये कुछ भी बोलेंगे, ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे कि इनके पास इतनी सारी पावर है तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक्टर्स आपको बताया करोड़ों में कमाते हैं, एक फिल्म के 20 से 30 करोड़ रुपए, ब्रांड डील्स अलग, ये सारे एक्टर्स भी इन प्रोडक्ट्स को रैम्पेंटली एंडोर्स कर रहे हैं। तो अब इन सारे लोगों से मेरा एक ही सवाल है, अगर रवि की जगह आपका बेटा या बेटी होती जिसने गैम्बलिंग की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया तो आपको कैसा लगेगा? और अब अगर हम सुसाइड की बात ही कर रहे हैं तो कुछ हार्डकोर बात भी करते हैं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैं स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि ऑन एवरेज मेल्स हैव अ हायर सुसाइड रेट देन एनी अदर जेंडर। गैम्बलिंग को लेकर मल्टीपल स्टडीज की गई है और इन सारी स्टडीज में एक ही कंक्लूजन था, ऑन एवरेज गैम्बलिंग करने वाले लोगों का सुसाइड रेट 17 से 39% का था। ये स्टैटिस्टिक्स आपको गार्डियन की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और फॉक्स 19 के हिसाब से अगर ऐसा कोई एडिक्शन है जिसका सुसाइड रेट हाईएस्ट है तो वो गैम्बलिंग है।
और अगर ये काफी नहीं था तो एक और कड़वा सच जान लीजिए, ये जो सारी कंपनीज है ये इन अ वे आपको पुश करती है और ज्यादा पैसे हारने के लिए। ये कैसे होता है वो भी बताता हूँ। वाइस मीडिया के हिसाब से कोई भी गैम्बलिंग कंपनी एक रिस्क रेटिंग एल्गोरिदम यूज करती है, यानी कि वो देखती है कि ऐसे सारे जो लोग है जो बहुत ज्यादा पैसे लूज कर रहे हैं, इनके लिए हम गैम्बलिंग को कैसे इंसेंटिवाइज करें। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे लूज कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा, आपके साथ बात करने हमेशा सबसे अच्छा वेल ट्रेन स्टाफ होगा। आप अगर पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको उस पर बड़े बोनसेस मिलेंगे, आपके विड्रॉल्स भी तुरंत प्रोसेस हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जिसका लक बहुत अच्छा है और वो मल्टीपल टाइम्स जीतता रहता है तो आपके लिए पूरी प्रोसेस को और डिफिकल्ट किया जाता है, आपकी बेट्स पर लिमिट प्लेस की जाती है, आपको विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स पे और प्रोसेसिंग टाइम देखना पड़ता है, फेलियर मिलते हैं, आपके साथ बात करने सबसे लोएस्ट रेटेड स्टाफ आती है। पॉइंट इज अगर आप बहुत पैसा हार रहे हो तो आप एक वीआईपी कस्टमर हो और अगर आप जीत रहे हो तो आप एक प्रॉब्लम कस्टमर हो। और एक चीज तो आपने कंसिडर की ही नहीं, बहुत से ऐसे गैम्बलिंग एप्स हैं जो रिग्ड भी होते हैं, यानी कि यहाँ पे हर चीज बायस्ड होती है, कोई फेयर प्ले नहीं होता एंड द गेम इज अगेंस्ट यू। आप जो पैसे डालोगे वो आप लॉन्ग रन में लूज ही करने वाले हो। लेकिन अब यहाँ एक अहम सवाल आता है कि बहुत से लोगों को ये सारी चीजें पता है, उनको पता है कि गैम्बलिंग मोर और लेस एक रिग्ड इंडस्ट्री है और यहाँ पे हमारा घाटा ही होने वाला है, तो भी ये वहां पर पैसे क्यों डालते हैं और कौन है ये लोग? देखिए मेनली जो सारे लो इनकम ग्रुप्स होते हैं वही गैम्बलिंग करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में लिखा था कि यूएस में जो लोएस्ट अर्निंग ग्रुप होती है वो पर ईयर $412 ऑन एवरेज लॉटरी टिकट्स पे स्पेंड करती है, एंड ये सेम ग्रुप है जिसके पास $400 की इमरजेंसी फंड भी नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो लोएस्ट अर्निंग ग्रुप है वो हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप से 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च करते हैं गैम्बलिंग पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब आप एक लोएस्ट अर्निंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं तब आपके पास सेविंग्स का कोई स्कोप नहीं होता, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से अमीर नहीं बन सकते। ट्रेडिशनल तरीका यानी कि आप सेविंग्स करते हो, वो सेविंग्स जब अक्यूमुलेट होते हैं आप उनको इन्वेस्ट करते हो और इस इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने से आपकी रिटायरमेंट फंड बनती है या फिर उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके आप अपना एक बिजनेस सेटअप करते हो एटसेट्रा। तो जब आपकी इनकम इतनी कम है कि आपके पास कोई सेविंग्स बचती ही नहीं, एक ऐसा रियल तरीका आपको लगता है जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो है गैम्बलिंग। अब देखो मैं कोई बड़ा क्रिएटर तो हूं नहीं, लेकिन मेरे पास भी मल्टीपल टाइम्स अल्कोहल स्मोकिंग गैम्बलिंग रिलेटेड एप्स आए थे एंड आई डू नॉट प्रमोट देम नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट रिसेंटली तो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप था जिसने तो मुंह मांगे कमर्शियल्स देने की तैयारी भी दिखा दी थी, लेकिन आई सेड नो। और इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ी बात या तारीफ करने जैसी चीज नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जहां पे आप मल्टीपल लोगों से बात कर सकते हो और अपने विचार उन तक पहुंचा सकते हो तो प्लीज इसको सेंसिबली यूज करो। अगर आप आपके प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी पावर को ऐसे यूज करोगे सारी गंदी चीजें प्रमोट करने, तो ट्रस्ट मी आप किसी का भला नहीं कर रहे। और जो आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज ऐसी घटिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं उनको अभी के अभी अनफॉलो करो, उनकी कोई औकात नहीं, उनका कोई वजूद। एनीवे आई होप आप ये सारे ऐप्स कभी डाउनलोड ना करें, प्लीज स्टे सेफ। अगर आप जानते हो कि कोई इंसान जो ये कर रहा है तो प्लीज उसको सही रास्ते पे लाना और चैनल को सब्सक्राइब करना।